बॉडी द किंग को एक बार प्रूव किया मैं हूं किंग, मैं हूं यहां का जयकांत छिगरे। विराट किंग कोहली ने घंटा बजा दिया आज भाईजान बांग्लादेश का 90 पे, ये दुक्के पे दुक्का लिए जा रहा था। दैट शोज दैट गाय इज फ्रॉम अ डिफरेंट प्लेनेट कंप्लीटली। चार मैचों में कोई एक भी टीम ऐसी नहीं जो इंडिया के खिलाफ जो है वो 300 रन कर पाई, ठीक है। मींस के यहां से पता चल रहा है कि इंडिया कितना स्ट्रांग होकर इस दफा खेल रहा है। भाई इंडिया की टीम को कौन हराएगा मेरी तो समझ से बाहर है, वो कौन सी ऐसी टीम आएगी जो इंडिया को हराएगी। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। जय हिंद दोस्तों, वर्ल्ड कप मैच में भारत ने बांग्लादेश को बहुत बुरी तरह हरा दिया है। भारत की तरफ से शानदार बैटिंग करते हुए विराट कोहली ने सेंचुरी जड़ के पूरी बांग्लादेशी क्रिकेटर को घुटनों में लाकर खड़ा कर दिया। दोस्तों विराट कोहली की बैटिंग देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया ने कोहली की जमकर तारीफ करी, कहा विराट कोहली को रोकने वाला पूरी दुनिया में कोई नहीं। दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली का फैन है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। चलिए दोस्तों भारत की शानदार जीत पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है जानते हैं। और विराट कोहली द किंग कोहली ने एक बार प्रूव किया मैं हूं किंग, मैं हूं यहां का जयकांत छिगरे। टॉस होगा तो मेरे से कोई बेहतर प्लेयर है तो आके बताए। विराट कोहली टेक अ बोर्ड 48वीं ओडीआई सेंचुरी, द किंग ऑफ सेंचुरीज 100 मारा विराट कोहली ने। टेक अ बोर्ड विराट कोहली, यकीन कीजिए मतलब मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि अंपायर भी ये समझता था कि विराट कोहली डिजर्व करता है। अंपायर तो पता था, अंपायर विराट कोहली का फैन बन गया वहां पर। उसने कहा नहीं तू बचे, ये बहुत बल्ले बल्ले हो गई भाई। इंडियन टीम इस टाइम अली साहब वर्ल्ड कप एक अलग ही लहर में खेल रही है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। घंटा बजा दिया आज इंडिया ने बांग्लादेश का भी। चार मैचेस में 4 घंटे बजाए हैं इंडिया ने। पाकिस्तान का भी घंटा बजाया था, ऑस्ट्रेलिया का भी घंटा बजाया था। आज भाईजान इंडिया ने जो है वो बांग्लादेश का घंटा भी बजा दिया। अफगानिस्तान को भी इंडिया ने हराया था, सबके घंटे बजा दिए आज इंडिया ने। इंडिया ने बता दिया कि उनको वर्ल्ड कप जीतने से कोई टीम नहीं रोक सकती। और भाई मेरे बाबर का घंटा भी बजाया था इंडिया ने, आज बंगालियों का घंटा भी बजाया। मुझे वो बंदे चाहिए जो सुबह बैठ के बकवास कर रहे थे ट्विटर के ऊपर पाकिस्तान में कि आज भी अपसेट होगा। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, कुछ घंटे बकवास कर रहे थे बैठ के कि आज भी अपसेट होगा, आज बांग्लादेश इंडिया को हराएगा। देख लो कौन हारा है कौन जीता है। विराट किंग कोहली ने घंटा बजा दिया आज भाईजान बांग्लादेश का। भाई इंडिया की टीम को कौन हराएगा मेरी तो समझ से बाहर है, वो कौन सी ऐसी टीम आएगी जो इंडिया को हराएगी। अब हर टीम्स को ये सोचना होगा कि क्या इंडिया की टीम को सेकंड बैटिंग करवाएं या सेकंड बॉलिंग करवाएं, खुद बैटिंग करें पहले या खुद बैटिंग करें बाद में। मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती जा रही हैं। 256 तो ऐसे बना दिए इंडिया ने, कोई मसला ही नहीं 41 ओवर्स के अंदर। भाई इंडिया के खिलाफ अगर पहले बैटिंग करनी है तो भाई 350 या उससे ज्यादा सोचेंगे तो तब होगा, उसके अलावा तो मेरे ख्याल में आप उनसे जो है वो जीत नहीं सकते। क्या बात, ये बात है। हाँ, ये आप रियलाइज करें कि पहले 50 ओवर इन्होंने फील्डिंग की है, उसके बाद 90 पे ये दुक्के पे दुक्का लिए जा रहा था। दैट शोज दैट गाय इज फ्रॉम अ डिफरेंट प्लेनेट कंप्लीटली। मैं तो बल्कि आई थिंक हियर इज अनदर थिंग जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये जो 80 से 100 पे गए हैं ना, वो जो आखिरी एक्सेलरेशन की है, मैं तो सेंचुरी के करीब आ गया हूं तो टारगेट भी सही है सेंचुरी। दैट इज अ फिनोमिनल एक्सेलरेशन दैट ही इज एट। यही नहीं अभी और सुनिए, देखें इंडिया जो है वो एक क्लास बन चुकी है इस टाइम। आप सबसे बड़ा इसमें देखें कि हर टीम जो है वो 350-300 इतना स्कोर कर रही है, लेकिन इंडिया ने चार मैच खेलने हैं। चार मैचों में कोई एक भी टीम ऐसी नहीं जो इंडिया के खिलाफ जो है वो 300 रन कर पाए, ठीक है। मींस के यहां से पता चल रहा है कि इंडिया कितना स्ट्रांग होकर इस दफा खेल रहा है और तीनों फॉर्मेट्स में जो है वो बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।